डेनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सेल्फ डेथ में जी रहे थे। कैसे? क्योंकि उन्हें खोजा, उन्हें किन्नर बना दिया गया था। उन्हें मालूम था उनकी शादी नहीं होगी, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहे थे। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना। मूसा वो शादीशुदा था, लेकिन बाइबल कहती सेल्फ डेथ में था। ये सबूत इस बात का ये है कि उसने मिस्र की गद्दी को छोड़ के आम लोगों के साथ वो हो गया, क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। कोई पैसा नहीं छोड़ेगा अगर वो अपने आप में मरा हुआ नहीं, विरोध करना नहीं छोड़ सकता अगर अब मरा हुआ नहीं, जरूर बदला लेगा अगर वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मरा हुआ है अपने लिए वो बदला नहीं लेगा। क्या लाश बदला लेती है कभी? लाश बदला लेती है कभी? लिखा, अपने आप को मरा हुआ समझो और मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। लाश बदला नहीं लेती, लाश प्रशंसा करने पे हंसती नहीं, ना तो बुरा मानती। परमेश्वर ने कहा तुम मसीह में जब बपतिस्मा लेते हो तुम अपने आप के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। अगर इस तरह से जीवन जियोगे, इस आकाश के नीचे का कोई भी शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह से आप लाइफ जियोगे तो परमेश्वर वो कर पाएगा जिसको करने के लिए उसने आपको अपने पास बुलाया। उसकी योजना अलग थी, यूसुफ के लिए, मूसा के लिए अलग थी, डैनियल के लिए अलग थी, पतरस के लिए अलग थी, पौलुस के लिए अलग थी, और आप सबके लिए अलग है, और सबके लिए बड़ी, और सब आप एक एक जन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन हो परमेश्वर के सामने। सिर्फ प्रचारक ही नहीं, आप सब लोग, एवरी बॉडी। लेकिन प्रचारक डिफरेंट क्यों रहता है? क्योंकि वो कॉल्ड है इस काम को करने के लिए, और वो परमेश्वर को वो समझता है जो वो आपको समझा रहे। अगर आपने अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा, अगर आपने वो कर दिया और आप ओवरकम कर गए शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, सेल्फ डेथ में अगर चले गए, तो आपको सचमुच नजर आएगा किस ग्रेट पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। हर एक लाइफ में परमेश्वर की योजना अलग है, हर एक लाइफ के आपके लिए अलग योजना है परमेश्वर, लेकिन रिजल्ट एक ही है जो ग्लोरियस, महिमा से भरा हुआ है, गवाहियों से भरा हुआ, जीत से भरा हुआ। हालेलुया। वो 13 साल की शर्मिंदगी थी और 80 साल का घमंड और राज्य था। क्या लेना चाहती? उन 13 सालों में परमेश्वर के साथ समझौता करके अपने 110 साल उसी नौकर की तरह जीना चाहते हो, या उन 13 सालों में सच के लिए खड़े होके 80 साल राज करना चाहते हो? ये आप पे निर्भर करते हैं। अगर आप शरीर के नौकर हैं, पाप के नौकर हैं, गंदी आदतों के नौकर हैं, तो आप परमेश्वर के लिए राज्य नहीं कर सकते। हालेलुया। तैयार हैं आप राज्य करने के लिए? यस नहीं सुना मेरे को? तैयार है आप राज्य करने के लिए? आपको बेस्ट परमेश्वर देने जा रहे हैं, बेस्ट प्लेसेस में आपकी लाइफ में देख रहा हूं, बेस्ट देशों को आपकी लाइफ में देख रहा हूं। आप तैयार है क्या? सुना नहीं मैंने कहा आप तैयार है क्या? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सेल्फ डेथ, अपने आप में मरना। आमीन। अगर आप अपने आप में मर चुके हैं, आप बदला लेंगे क्या? आप लेंगे बदला? आप माफ करेंगे? आप बदला नहीं लेंगे? आप प्रेयर करेंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे? आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले से मर चुके हैं। कि लोगों को शैतान परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, बोला देख, देख शदाइया, देख तू भी अपने भरावान मिलिया हुंदा, आज तू गड्ढे च नहीं सी होना, हुन तू मिस्र च आ गया। देख शदाइया, जे तू भरावान दे नाल हुंदा, बना के रखदा, ते तू भी उन्हां नाल इंजॉय करदा लाइफ। अब तू नौकर बन गया। अगर तू अपने भाइयों के साथ बना के रखता तो तू यहां मिस्र में ना आता। कितना डिस्टर्ब किया होगा इमोशनली शैतान ने उसको, इमेजिन करके देखो। पर वही जीते, उन्हें शैतान के सिर के ऊपर पांव रख के आगे बढ़े हैं, जो उसकी बातों को रद्द करके आगे बढ़े वही जीते। हालेलुया। आपने फैसला करना है,
आप शैतान के नौकर बनना चाहते हैं, पाप के नौकर बनना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए राज नहीं कर सकते। वो काम परमेश्वर कभी पूरे नहीं कर सकता जो उसने आपकी लाइफ में सोचे हुए। अगर आप पाप के दास हैं, पाप के नौकर हैं, शैतान के नौकर हैं, हालेलुया, आपको एक साइड चुननी पड़ेगी। एक साइड आपको हमेशा परमेश्वर की ओर लेके जाने की कोशिश करेगी और एक तरफ शैतान आपको हमेशा शरीर की बात सुनने के लिए मजबूर करेगा और वो फैसला निर्धारित करेगा आप अपनी लाइफ में कहां तक जाएंगे। हालेलुया, जो शांति, जो आनंद आप फील कर रहे होंगे, मैंने कभी महसूस नहीं किया ऐसा अपनी लाइफ। आप जीवित और यहां बैठे और वचनों को अपनी आंखों से आपने कंप्लीट होता देखा कि वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन।